थी या नहीं हटानी चाहिए थी। 370 करने वाली बीजेपी ने क्या एक बार भी अपने मंच से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है? अरे देवा, कश्मीर के मतदाताओं के बीच जाकर अपने विकास के काम गिनाकर वोट मांगने की ये हिम्मत नहीं जुटा पाए? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कांग्रेस की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कांग्रेस की मनमानी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के लोग इस वीडियो को खुद देखकर सोच रहे हैं कि हमारी मनमानी कहाँ चल रही है, हमें खुद ही नहीं पता। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 600 करोड़ रुपए चंदा लिया उसका जवाब दे भारतीय। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या बात करते हैं यार, क्या विजनरी आदमी है। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बीजेपी क्या बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और आपका एक नेता महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी। प्रज्वल रवन्ना, इसके 3000 के करीब पॉर्न वीडियो एक पेन ड्राइव में मिले। यहाँ तक कि 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो, ये रिकॉर्डिंग ये खुद करके और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सबको देखते हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के हाई कोर्ट ने आज से एक हफ्ते पहले, अभी चार दिन पहले हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के ऊपर बेल की सुनवाई करते हुए क्या टिप्पणी की है, कोट अनकोट प्राइमा फेसी सत्य है, पूरा का पूरा इस पर विश्लेषण किया है। आप में से हर कोई इसको गूगल करके अभी हाई कोर्ट के साइट में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को निकालिए। मैं अंजना जी इनका पर्दाफाश करते हुए अधिकृत तौर पे आपको कहता हूं, सत्येंद्र जैन की बेल का मैटर अभी हाई कोर्ट में गया ही नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट में। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह, इतनी बेशर्मी। ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहां पर। भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है। अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूँ कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी, वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, ऐसे मोदी जी की तस्वीर को उठाकर आपने जो फेंका ये आपने अच्छा नहीं। मालिक वो देखो। आप पत्रकारिता पर आ गए, देश में आज जो मीडिया की हालत है, शायद हालत शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो, क्या विचार है आपके? हालत से किसको आपत्ति? हालत मीडिया की हालत जी, क्या विचार है आपके? अभी मजा आएगा ना। मेरे क्या विचार होंगे, आप अपने समुदाय के बारे में बताइए। मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे, आपके क्या विचार है आपके समुदाय के बारे में? न्यूज चैनल देखते हैं आप? न्यूज चैनल नहीं, गजब बेइज्जती है। तो खबरों के बारे में जब जानना होता है तो कहां फिर फॉलो करते हैं? फोन पे जो ऐप्स आती हैं, हाँ उसमें बहुत सारे जो जिनके राइटिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे, उनके उनके उनको मैं देख लेता। एक छोटा सा विषय रख के समाप्त करो 10 सेकंड में। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ तो उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी ही आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। बहुत बढ़िया बात संबित पात्रा जी ने बोली। संबित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे। और दिल्ली में आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, लाइन पे संबित पात्र जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे। पहली बार कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी के जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये खुद पांच भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद तीन भाई और तीन बहन है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कि मेहनत करो आप, खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपने संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। उल्टा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए उतने रुपए ये गरीबों को देंगे। देखो ना इन बेशर्मों की हालत, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? आपको मंजूर है ये? आपको मंजूर है ना सबको? और ना ही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द आपको पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मिलेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं होता, आप इनका मैनिफेस्टो खुद जाकर देख सकते हो कांग्रेस की वेबसाइट पर। कि ये सनातन सनातन कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनी से इनको चंदा गया है, और एक गोमांस की कंपनी उनसे चंदा गया, एक सट्टे की कंपनी उनसे चंदा गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ खौफ पूरा। इसका क्या मतलब? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने। अच्छा। आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए यहाँ क्यों आए हैं? पता है हम सपोर्ट करने आए हैं। किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए।